इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक में मौजूद है और यहाँ पे तकरीबन आज सुबह 4 बजे एक बहुत बड़ा और दिलसोज वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 5 हाउस बोट जो है वो खाकस्तर हुई और ऐसे 7 से 8 छोटी छोटी हट्स थी जो खाकस्तर हो गई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाकयात बने हुए हैं, किस तरह से हालात बने हुए हैं, हाउस बोट्स किस तरह से खाकस्तर हुई, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हुई। और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे फायर सर्विसेज का अमला था वो यहाँ पे नहीं आ पहुँचा, बहुत सारी उनकी रेस्ट्रिक्शंस थी, लॉजिस्टिक रेस्ट्रिक्शंस थी और बाकी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो वक्त पे यहाँ पे नहीं आ पहुँचे और जिसकी वजह से ये जो हाउस बोट्स थे और बाकी जो हट्स थी वो नहीं बच सके। हालांकि नुकसान बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त गमगीन है। आइए उनसे जानते हैं उनके इस वक्त हालात क्या है। युगो 4:30 बजे ये वर्ष दस अच्छा हटस लोग ऊपर नवा हाउस बोटस पत के टाइम डैमेज 5 हाउस बोट बेज बसकिंदर अत पत कह चोर घर चोन घरन दस बिल्डिंग सारी अत पत ब्रो बे दी 5 हाउस बोट 4:30-5 बजे गो अज सुबह ये वर्ष दस ए लग भग गई कम से कम रुपये 4-5 करोड़ पेटी 10 करोड़ माल इस हाउस बोट चीज लवान अख हाउस बोट वनक 5-5-6 करोड़ रुपये शव अत पे बम वातान बराबर योर कह क्या वातान ये बम वातान बराबर योर कह पत व मिल्ट्री पिल्ट्री आई तमो तक मदद अप यप छव्यो यह नार पत कह हाउस बोट तम कड़ नबर अक तम कड़ नबर पचो बाकी ये अगर नाव यन कड़ हाउस बोट मूव कर डैमेज। देखिए आज सुबह ये 5 बजे सुबह ये आग की वारदात यहाँ पर हुई है, डिवास्टिंग आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तकरीबन 5 हाउस बोट जल गए और 8 हट्स भी इसमें आग उन पर भी लग गई। कुछ भी नहीं रह गया इन बेचारों को, हालात बहुत ख़राब हुए इनके लिए। मैंने ऑलरेडी इसका नाम रखा है एलिंग हेरिटेज। दिन ब दिन ये हाउस बोट्स कम होते हैं जो यहाँ की शान थी। एक टाइम था यहाँ 3,000 से प्लस हाउस बोट्स होते थे, आज 800 से भी कम हो गए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब से कि इसकी तरफ, इस एलिंग हेरिटेज की तरफ ध्यान दिया जाए। करोड़ों में नुकसान हुआ आज सुबह और अब इनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं रहता।